नमस्कार मित्रों, ओम इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में। दोस्तों, ये टॉर्च हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है। इसमें एक बैटरी चार्जर एडेप्टर है जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 12 वोल्ट और 1 एम्पियर की है। ये ट्रांसफॉर्मर जो चार्जर है वो 12 वोल्ट निकलता है और ये मैंने चेक कर लिया है, ये अच्छी तरह से वर्क करता है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें कि इसमें जो लाइट है वो ऑन नहीं हो रही है, तो इसकी एलईडी, दोनों एलईडी ऑन नहीं हो रही है। तो सबसे पहले इसका बैक कवर है वो हमने निकाल लिया है, तो इसकी बैटरी हम देखते हैं। तो दोस्तों इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है, इसमें कुछ खराबी नहीं लग रही है। तो हम इसमें अब देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए हमें एक कवर ओपन करना होगा ताकि हमें मालूम हो सके कि इसमें प्रॉब्लम कौन सी है। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हमने ओपन कर लिया है और पहले से इसका काम वर्क किया हुआ है किसी मैकेनिकल भाई ने, और इसको हम अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे ताकि जो बैटरी है वो ठीक हो जाए। अब दोस्तों ये इसका स्विच बॉक्स है। तो दोस्तों अब इसको हम चेकिंग कैसे करेंगे। तो इसमें हम जो हमारा जो कॉन्टेक्ट है उसको देखेंगे कि क्या फॉल्ट है इसमें। बैटरी भी हमारी ओके है। आप देख सकते हो कितनी एलईडी ग्लो कर रही है। तो हमारा ये जो स्विच है उसके प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे ठीक करते हैं तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको, इस स्विच को ओपन कर लेते हैं। स्विच को ओपन करने के बाद हम बात कर रहे हैं इस स्विच के बारे में। तो ये स्विच बाजार में आपको आसानी से कम दाम में मिल जाएगी। तो इसकी कीमत है दोस्तों 10 रुपये के आसपास इस बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये स्विच हमारी खराब है, क्योंकि जो हमारा एलईडी देख सकते हो आप, लाइट हमारी ऑन हो रही है, देख सकते हो, आपको दिखा रहा है बस। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी स्विच है हम इसके टर्मिनल को चेंज कर देंगे ताकि हम हमारी जो स्विच है उसको फिर से यूज कर सकें। हमको अभी आगे वाली जो लाइट है उसकी ही जरूरत है, पीछे की नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी एलईडी है उसको, आगे की जो एलईडी है उसको हम ठीक कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो हमारा काम है वो रुके नहीं। तो आप देख सकते हो कैसे बढ़िया तरीके से एलईडी हमने ओनली 10 रुपीज में इसको रिपेयर की है। तो अब इसकी स्विच बदल के हम देखेंगे। दोस्तों हमने इस स्विच को रिपेयर किया है, चेंज नहीं किया है। जो हमारा ये टर्मिनल खराब हो गया है इसको हमने, ये हमारा जो टॉर्च का कनेक्शन है इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, और ये साइड वाला जो लाइट है इसको हमने साइड में कर दिया है। तो इस तरह से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देख, अभी इसमें बैटरी लो है तो आपको इसका जो पावर है वो नहीं दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप अच्छी तरह से। अब इसको चार्ज करना पड़ेगा, लंबे वक्त से ये यहीं पड़ा हुआ था। तो कृपया अब हम इसको फिट कर देंगे। तो फिट करने में ज़्यादा कुछ बात बड़ी बात नहीं है, इसको
आसानी से हम फिट कर सकते हैं और इसको ये हो गई फिटिंग हमारी जो लाइट है और स्विच है वो फिट कर ली है हमने। बाकी कुछ इसमें है नहीं है क्योंकि इसमें जो पावर एडप्टर है आप देख सकते हो ये चलने लगी है, इसको ऑफ कर देंगे, ऑन ऑफ हो सकती है। तो ये ऑन ऑफ अभी हो रही है, अब इसको थोड़ी देर चार्ज करेंगे और इसके बाद हमको पता चल जाएगा कि इसकी जो बैटरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको फिट कर देंगे और ये हमारी बैटरी कंप्लीट हो गई है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने वीडियो मित्रों को शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से घर पर ही बैटरी रिपेयर कर सकें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।